मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सबों को जय मसीह की। मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रभु के कुछ वचनों को लेकर आए हैं। यदि आप इन वचनों का सुबह शाम सोने से पहले और जगने के बाद अंगीकार करते हैं तो आपका जीवन, आपका लाइफ सेम नहीं रहेगा। आपके जीवन में आप एक बड़ा बदलाव देखेंगे। आपके जीवन में कभी भी कोई स्ट्रगल या कोई भी समस्याएँ, कोई भी चिंताएँ आपके जीवन में नहीं रह सकती, नहीं आएंगी। आप लोग विश्वास करें इन वचनों पर और डेली अंगीकार करें इन वचनों का। तो चलिए हम आप लोगों को इन वचनों को बताते हैं। आप लोग इन वचनों को याद रखें, इन वचनों को लिख लें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वचन है दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आप लोग इन वचनों का सोने से पहले जगने के बाद अंगीकार करते हैं रोज दिन सुबह शाम, तो आप लोग अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। आप यदि आज रातों से डर लगता है, अंधेरे से आपको डर लगता है, तो आपके जीवन से वो डर कब दूर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि आज अपने जीवन में कोई भी दुखों को देखते हैं और तुरंत घबरा जाते हैं, प्रभु पर से आपका विश्वास दूर हो जाता है, तो आप लोग इन वचनों का अंगीकार करें। आपके जीवन से वो डरें कब दूर हो जाएंगे, और जब भी आपके जीवन में कोई भी दुख आएगा तो आप हमेशा प्रभु पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि संयम की आत्मा दी है प्रभु ने हमें, प्रेम की आत्मा दी है हमें, सामर्थ्य की आत्मा दी है। आपके जीवन में कोई भी कार्य, कोई भी चीज आपको निराशा नहीं पहुंचा सकती। तो आप लोग इन वचनों का हमेशा याद रखें। प्रभु का दूसरा वचन है लूका अध्याय 10:19, मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं और बैरे की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग इन वचनों का डेली अंगीकार करें। आप लोग बोले कि प्रभु ने हमें हर एक चीजों पर अधिकार दिया है, दुष्ट आत्माओं पर, सांपों पर, बिच्छुओं पर, हर एक बीमारियों पर, जादू टोने की शक्तियों पर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। हमें कोई भी जादू शक्ति या कोई भी विषैले जीव जंतु हमारा हानि नहीं पहुंचा सकेगा, हमारा कोई हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने हमें हर एक चीजों पर, हमें हर एक चीजों को कुचलने का, नाश करने का सामर्थ्य दिया है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग डेली सुबह शाम इन वचनों का अंगीकार जरूर करें। आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव को देखें। प्रभु का अगला वचन है यशाया अध्याय 54:17, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग इन वचनों का अंगीकार करें। आप लोग बोले कि जितने भी हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से हमारे ऊपर कोई भी सफल ना होगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और उन हर एक अस्त्र शस्त्र को प्रभु विफल करता है। प्रभु आपकी रक्षा करता है। आप लोग इन वचनों का अंगीकार करें कि प्रभु हमारी रक्षा करता है, हमारे ऊपर कोई भी अस्त्र शस्त्र सफल ना होगा जो हमारी हानि के लिए बनाए जाएंगे। तो आप लोग हर एक दुष्ट आत्माओं से, हर एक जादू टोने की शक्तियों से, हर एक अस्त्र शस्त्र से आप लोग बचे रहेंगे, हर एक दुश्मनों से आप लोग बचे रहेंगे। तो आप लोग इन वचनों का अंगीकार जरूर करें। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबों को जय मसीह।